भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत दिनों तक किसी के साथ नहीं रहते। साथ छोड़ने की इस कला अब उनकी पार्टी के साथी भी सीखते जा रहे हैं। पार्टी बनाने से लेकर सत्ता तक पहुंचाने में साथ रहे उनके पुराने साथी एक एक कर किनारा करते नजर आ रहे हैं। पार्टी में इस विघटन की प्रमुख वजह राजभर का परिवार प्रेम बताया जा रहा है। सुबह सपा छोड़ने वालों में पहला नाम आता है शशि प्रकाश सिंह का। शशि पार्टी के गठन से राजभर के साथ थे और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हुआ करते थे। इस साल जिस चुनाव के बाद हुए पार्टी के पुनर्गठन में राजभर ने मुख्य प्रवक्ता का पद अपने बेटे अरुण राजभर को दे दिया। लिहाजा शशि ने जुलाई 2022 में साथियों के साथ राष्ट्रीय समता पार्टी का गठन कर लिया। वहीं सुबह सपा में कुछ दिनों पहले तक महेंद्र राजभर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे। साल 2017 में विश्व चुनाव में भाजपा चाहती थी कि मऊ से ओम प्रकाश खुद मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़े। एन मौके पर ओम प्रकाश ने इस सीट से अपने समधी महेंद्र राजभर को मैदान में उतार दिया और वह बहुत मजबूती से लड़े। वहीं 2022 में ओम प्रकाश ने मऊ से महेंद्र को टिकट न देकर पिछले चुनाव में प्रतिद्वंदी रहे मुख्तार के बेटे को ही टिकट दे दिया। इससे नाराज महेंद्र ने बीते सोमवार को साथियों के साथ पार्टी से किनारा कर लिया। बुधवार को प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद राजभर भी 45 पदाधिकारियों के साथ पार्टी छोड़ गए। ओम प्रकाश ने राजनीति में शुरुआत बसपा से की थी, बाद में वह बसपा छोड़कर अपना दल में चले गए, लेकिन वहां भी बहुत दिनों तक नहीं रहे। इसके बाद अपनी पार्टी बनाई और 2017 में भाजपा से गठबंधन किया। कैबिनेट मंत्री बने लेकिन साथ बहुत दिन नहीं चला और भाजपा से किनारा कर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोर्चे के साथियों को अधर में छोड़ राजभर खुद सपा के गठबंधन में शामिल हो गए। हालांकि अखिलेश से भी उनका साथ बहुत दिन तक नहीं चल पाया। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ओम प्रकाश राजभर हैं। उनकी पत्नी पार्टी के महिला विंग की राष्ट्रीय सलाहकार हैं। राजभर के छोटे भाई वीरेंद्र पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। बड़े बेटे अरविंद प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव और छोटे बेटे अरुण राजभर पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।